हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने इससे पहले वीडियो में मैंने आपको फोर टक्स ब्लाउज की कटिंग जो है वो कैसे करनी है ये मैंने आपको बताया है। उसके बाद का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, तो उसके बाद का वीडियो में जैसे मैंने फोर टक्स ब्लाउज में फोर टक्स जो है वो कैसे लगाने हैं ये मैंने आपको बताया था। ये देखिए, ये जो फोर टक्स हमने लगाए हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या हो जाता है, जैसे थोड़ा भी हम गलत करेंगे तो ब्लाउज तो पूरा सिल लेते हैं, लेकिन टक्स खराब होने के कारण या टक्स अच्छे से मेजरमेंट नहीं लेने के कारण हमारे जो फ्रंट साइड की फिनिशिंग होती है वो बहुत ही खराब दिखती है। इससे हमारा ब्लाउज भी खराब हो जाता है और जो फिटिंग है उसकी वो भी ठीक से नहीं आती। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जब भी आप फ्रंट में भी टक्स लगाना चाहते हो तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे मेजरमेंट के साथ आपको ये टक्स पॉइंट जो है वो देने हैं। तो यहाँ पे मैंने फोर टक्स जो है, ये देखिए, ये जो टक्स है ये मेन टक्स है, यहाँ पे हमारा हुक और आई के साइड का टक्स है, यहाँ पे हमारा आर्मोल का टक्स है और यहाँ पे हमारा साइड फिटिंग में टक्स है। तो ऐसे चारों टक्स कैसे लगाने हैं ये मैंने आपको बताया है। उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे ये बैक साइड होती है, बैक साइड होती है, तो यहाँ पे भी आपको मैं बता देती हूँ कि बैक साइड के टक्स पॉइंट जो है वो कैसे निकालने हैं। वो भी निकालने बहुत ही सिंपल हैं। जैसे बैक साइड में हमें ऐसा लगता है कि बैक साइड में टक्स क्या कैसे ऐसे लगाएंगे तो भी चलता है, या गले के साइड में टक्स लगाते हैं वो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। बैक साइड के ऊपर भी आप टक्स अच्छे से लगाओगे तो यहाँ पे आपकी फिटिंग जो है वो अच्छी आती है। पूरा ब्लाउज को, जैसे कौन सा भी पार्ट हो, ब्लाउज का पूरा परफेक्ट और मेजरमेंट के साथ करोगे तो आपका ब्लाउज कभी भी गलत नहीं होगा। अब इसमें क्या हो जाता है, जो टक्स नहीं लगाते या टक्स लगाते हैं तो बहुत कम लगाते हैं, कभी कभी ज़्यादा लगाते हैं, तो यहाँ पे जैसे कम लगाने से भी क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज जो है बैक साइड में जैसे ऐसा ऊपर के साइड में आ जाता है, बैक साइड में जैसे उठा उठा लगता है, ऐसे बैक साइड में वो गलत, मतलब खराब दिखता है। तो इसीलिए इसके टक्स लगाने भी बहुत ज़रूरी है, तो इससे परफेक्ट टक्स आने चाहिए हमारे। तो ये परफेक्ट टक्स लगाने से कैसे करते हैं, जैसे कभी कभी हमारी ये डिज़ाइन आती है, कभी कभी ब्लाउज में बैक साइड में डिज़ाइन आती है, तो यहाँ पे आपको जैसे डिज़ाइन कितनी लेनी है, ऐसा तो कुछ नहीं है हम 4 इंच 5 इंच पे हम डिज़ाइन बनाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जितनी भी आपकी डिज़ाइन होगी 2.5 इंच 3 इंच तक आप डिज़ाइन जो है वो बनाते हैं। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमने शोल्डर, ये देखिए यहाँ पे हमारा जो गले का मार्किंग किया हुआ है, यहाँ पे हमने गले का जो मार्किंग किया हुआ है, यहाँ पे हमारा ये शोल्डर का मार्किंग है, तो आपको अच्छे से गले को और शोल्डर को रखना है, इसमें कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और शोल्डर का आपको सेंटर निकालना है, 3.25 इंच हमारा शोल्डर का आता है, तो यहाँ पे हम इसका सेंटर निकालेंगे। शोल्डर का बिल्कुल सेंटर आपको लेना है, शोल्डर का सेंटर लोगे तो यहाँ पे आपको एक मार्किंग करनी है बिल्कुल शोल्डर के सामने, ये देखिए यहाँ पे आपको शोल्डर के सामने एक मार्किंग करनी है। अभी शोल्डर के सामने आपने एक मार्किंग किया है, अभी ये जो टक्स पॉइंट होते हैं ये लंबाई के हिसाब से रहते हैं, लंबाई आपकी ज़्यादा होगी तो टक्स की लेंथ जो है वो बढ़ जाती है, लंबाई आपकी कम होगी तो टक्स की जो लंबाई होती है वो भी कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम 4.5 इंच पे टक्स पॉइंट देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी लंबाई जो है ये 14.5 इंच लंबाई है, 14.5 इंच लंबाई है, तो यहाँ पे हमारा 13.5 इंच तैयार हो जाएगा, 13.5 इंच तैयार हो जाएगा, तो पहले हम 4.5 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं। तो 4.5 इंच पे ये टक्स पॉइंट जो है वो परफेक्ट आएगा, इससे क्या हो जाता है इसकी फिटिंग जो है फिटिंग भी अच्छे से आ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया है मेन टक्स के बारे में, जैसे इससे पहले वीडियो भी आप देख सकते हैं, जैसे चैनल में मैंने अपलोड किया हुआ है, फ्रंट साइड का जो टक्स होता है वो मेन टक्स बड़ा होता है, लेकिन जब हम बैक साइड के टक्स लगाते हैं तो यहाँ पे हम 1/4 इंच इस साइड में लगाते हैं और 1/4 इंच इस साइड में लगाते हैं, क्योंकि आधा इंच का टक्स लगाते हैं। यहाँ पे इस तरह से आता है और यहाँ पे हमारा इस तरह से आता है, ये दोनों साइड में हमारे ज़्यादा बड़े नहीं होते टक्स, बैक साइड में जैसे 1/2 इंच हमारा टक्स जो है वो बैठ जाता है, तो यहाँ पे हमारी जो फिटिंग होती है वो भी अच्छी बैठती है। फिटिंग अच्छी आने के कारण यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज है, यह बैक साइड में ब्लाउज जो है ऊपर के साइड में नहीं जाता और परफेक्ट आता है, और फिटिंग भी आपकी अच्छी आती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डार्क, इसकी डार्क जो है उसको करना है चौक से, और इसे हमें सेम आना चाहिए, इसीलिए हमें क्या करना है, इस तरह से इसको रखते हैं और यहाँ पे हमारा मार्किंग जो किया हुआ है इसका निशान हम निकालेंगे, ये देखिए, ताकि हमारे जो दोनों
टक्स जो है वो सेम आनी चाहिए ताकि आपकी फिटिंग भी अच्छी आए। ये देखिए यहाँ पे हमने दोनों साइड में जो टक्स है कैसे लगाने हैं ये मैंने आपको बताया है। इस तरह से ये आपका सेंटर आएगा और ये सेंटर से बिल्कुल दोनों साइड के टक्स जो है वो एकदम परफेक्ट आएंगे। तो मेजरमेंट के साथ आप बैक साइड के टक्स जो है वो लगाएंगे तो आपके आपका ब्लाउज जो है ख़राब भी नहीं होगा और आपकी फिटिंग जो है वो भी परफेक्ट आएगी। तो यहाँ पे मैंने ये बैक साइड के टक्स जो पॉइंट जो है वो कैसे लगाने हैं ये मैंने आपको बताया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।